तो भाई साहब, इस वीडियो पे बात करने वाले हैं आरडी जीवितम मूवी के बारे में, द गोट लाइफ मूवी के बारे में। कल ही मैंने आपको डे वन कलेक्शन का रिपोर्ट दिखा करके बता दिया था कि 1700 स्क्रीन में, सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर में 1700 स्क्रीन में फिल्म को रिलीज किया गया है बोल करके। लेकिन गाइस, 3 दिन के अंदर 50 करोड़ तक का इसका कलेक्शन हो चुका है। 50 करोड़ तक का 1700 स्क्रीन में, जहां पे 4000-5000 स्क्रीन में फिल्म को रिलीज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। लेकिन फिर भी कई सारी फिल्मों की 50 करोड़ तक का कलेक्शन जो है 3 दिन में नहीं होती है। अभी मैं आपको थोड़ा बारीकी से बताऊंगा इंडिया नेट कलेक्शन, ओवरसीज कलेक्शन, इन सारी चीजों के बारे में। आप चौंक जाओगे, जो कि इंडियन सिनेमा में पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है। गाइस, डे वन कलेक्शन, ओके, डे वन का इंडिया नेट कलेक्शन 7.6 करोड़ हुआ था, 7.6 करोड़। डे टू का 6.2 करोड़, और इसी हिसाब से 2 दिन का रिपोर्ट है हमारे पास। टोटल इंडिया नेट कलेक्शन होता है 13.8 करोड़, ओके, 13.8 करोड़, जो कि ओवरसीज का 2 दिन का कलेक्शन है 14 करोड़ से ज्यादा, 14 करोड़ प्लस। यहां पे मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमारे इंडियन कलेक्शन से ओवरसीज का कलेक्शन ज्यादा दिख रहा है, जो कि पहली बार एक इंडियन सिनेमा के साथ ऐसा हो रहा है। हमारे इंडिया में कलेक्शन ज्यादा होता है। द गोट लाइफ फिल्म जो है, ये फिल्म हमारे इंडिया की फिल्म है। हमारे इंडिया की फिल्म का कलेक्शन इंडिया में ज्यादा होना चाहिए, ओवरसीज में कम होना चाहिए, जो कि आमतौर पर हर एक फिल्म के साथ होता है। लेकिन आडू जीवितम मूवी का ओवरसीज कलेक्शन 14 करोड़ से ज्यादा है और इंडिया की नेट कलेक्शन 13 करोड़ है, 14 करोड़ के अंदर है। मतलब ओवरसीज कलेक्शन इंडिया की कलेक्शन से ज्यादा है। तो इस तरह का रेस्पॉन्स मिल रही है, हमारे इंडिया में प्यार नहीं मिल रहा है, ये बात मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत ही कम सोर्स में फिल्म को चलाया गया है, फिल्म को लगाया गया है, बहुत ही कम स्क्रीन मिले हैं। दुनिया भर में 1700 स्क्रीन और ओवरसीज से इस तरह का कलेक्शन आ रहा है, तो जरा सोचो आपकी किस लेवल तक का स्क्रीन मिले हैं। सिर्फ सिर्फ मतलब ये जो मलयालम लैंग्वेज है, इसका जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, उसको ही स्क्रीन मिले हैं, बाकी सारे जगह पे नहीं मिले हैं। बाकी सारे जगहों पे क्रियो मूवी लगा है, बाकी सारी फिल्में लगी हैं, लेकिन बहुत प्यार मिल रहा है। जिन जिन स्क्रीन पे द गोट लाइव मूवी लगी है, जहां पे भी सोच चल रहे हैं, सारे के सारे हाउसफुल जा रहे हैं। डे थ्री का इंडिया नेट कलेक्शन देखने को मिल चुका है, जो कि 7.8 करोड़ तक का होगा। टोटल ओवरऑल रिपोर्ट नहीं आया है सेकंड की तरफ से, लेकिन मेकर्स की तरफ से आ चुका है कि 50 करोड़ हो चुका है 3 दिन के अंदर। ओके, तो भाई 1700 स्क्रीन में 3 दिन के अंदर 50 करोड़ तक का कलेक्शन, बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन है भाई। और आज तो संडे है, आज का तो और भी ज्यादा होगा, कल तक वो पता चल जाएगा। अगर आप अभी तक द गोट लाइव मूवी देख चुके हो तो आपको समझ में आ चुका रहेगा कि किस तरह की फिल्म है। अगर नहीं देखे हो तो बहुत बड़ी चीज को आप मिस कर रहे हो भाई, जाकर को देखो। ओके, और मेरे ख्याल से अभी आज की डेट की है ना, आज संडे है, आज की डेट की मैं जब आप देख रहा था क्रियो मूवी का, तो बहुत ही कम ही कलेक्शन वगैरह जा रही है, और बहुत ही कम कलेक्शन हुआ भी है। तो मेरे ख्याल से क्रियो को ये मात दे करके स्क्रीन वगैरह खींचेगा, अगर थिएटर्स वाले चाहेंगे तो, और चाहना भी चाहिए, क्योंकि लोग तो आडू जीवितम मूवी को देखने के लिए पागल हो रहे हैं, आडू जीवितम मूवी के लिए बहुत ही बेताब हो रहे हैं। जहां जहां भी फिल्म लगी है हाउसफुल जा रही है, तो बाकी सारे स्क्रीन, बाकी सारे थिएटर में जहां पे आडू जीवितम मूवी नहीं लगी है, तो वहां पे लगनी चाहिए, ताकि वहां के लोग भी फिल्म को देखने जाएं। और ये एक थिएटर मटेरियल है भाई, जो कि आप थिएटर में इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारे लोगों की इस तरह का सोच होता है, जब भी कोई इस तरह की फिल्म आती है, कोई आर्ट फिल्म आती है, तो लोग सोचते हैं नहीं, इसको हम OTT पे भी देख सकते हैं, मोबाइल पे भी देख सकते हैं, इस तरह का सोच रखते हैं, चीप माइंडेड। लेकिन गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरह का सोच अगर आप रखोगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस फिल्म के साथ बहुत मेहनत लगी है, बहुत लगन लगी है, और इस फिल्म का जो विजुअलाइजेशन है, एडवेंचर है भाई, आप देखोगे आपका थिएटिकल एक्सपीरियंस बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। और ऊपर से AR रहमान जी का जो BGM है, और एक एक शॉट, एक एक सीन इतनी बारीकी से लिया गया है। एक सीन होता है जहां पे बकरे के आंख पे हमें पृथ्वीराज सुकुमारन जी को देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं, बहुत सारे मतलब है, जो कि आपको थिएटर में बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा खतरनाक लगेगा। ओके, तो गाइस, आप अगर देख चुके हो तो एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, पृथ्वीराज सुकुमारन जी के डेडिकेशन के बारे में। जब इंटरवल के बाद पृथ्वीराज सुकुमारन जी को जो देखने को मिलता है आखिरी टाइम पे, उनके जो शरीर की जो मतलब हड्डियां दिखने लगती है भाई, सब वो रियल है, कोई VFX वर्क नहीं है वहां पे। 30-31 किलो वजन अपना वो घटाए हैं इस फिल्म के लिए, मतलब इतना डेडिकेशन भाई, 16 साल की डेडिकेशन, तो आप जरा सोच सकते हो। ओके, तो गाइस, मिस मत करो, फिल्म को जाओ देखो, आपका दिन बन जाएगा। और ऐसी फिल्में पता नहीं बाद में फिर
कोई बना पाएगा या फिर नहीं। 16 साल की डेडिकेशन कौन देगा भाई? ऐसे कौन से एक्टर है, आप एक नाम ले सकते हो, एक नाम यहाँ पे टाइप करके बताओ हमारे इंडियन एक्टर के हिसाब से कि कौन है जो कि इतना सक्सेस पाने के बाद भी 16 साल की डेडिकेशन दे करके इस तरह का फिल्म बनाए। ओके, तो गाइस ये मेरे ख्याल से वन एंड ओनली है, तो जा करके देखो, मिस मत करो। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।